Now, guys, the most interesting part of the Mughal ruler Akbar is the Navratna. Navratna. ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू वॉज अ गुप्ता रूलर हु ऑल्सो हैड 9 जेम्स इन हिट कोर. हिस्ट्री गवाह है. मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस राजा ने अपने समय के इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स को, अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स को अपने एम्पायर में, अपने कोर्ट में जगह दी, रिस्पेक्ट दी, एक्सप्लोरेशन दी, उस राजा का इतिहास में नाम रहा है. इन्हीं लोगों ने किया है. तो मैं जब अकबर के नवरत्न को कराता हूं तो आपको एक स्ट्रैटेजी से उसको याद करना है. आप उसको डिवाइड कर दो कि कितने उसमें से हिंदू थे और कितने उसमें से मुस्लिम्स थे. तो मैंने डिवाइड करा ये दो तरीके से, 4 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे. तो आपको इजी हो जाएगा याद करना कि कौन था कौन नहीं था. फिर उसके बाद मैंने हिंदूज का एक राइमिंग बना रखा है, जैसे बीर बल तो टोडर मल, बल मल, मान सिंह मान तो तान सेन, मान सिंह तान सेन बीर बल टोडर मल. ठीक है, नाम फिलहाल याद करते हैं. मुस्लिम्स में दो तो भाई हैं, अबुल फजल अबुल फैजी. तो ये दो के नाम आपको लगेगा, अरे भाई हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है. ये तो मुश्किल है, ये समझ में नहीं आता अबुल फजल को कहां पर याद करना है, अबुल फैजी को कहां पर याद करना है, आगे बताऊंगा. फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान का बेटा था और इसको खाने खाना का टाइटल अपने बाप से ही मिला था. फिर फकीर अजीजुद्दीन, जिसको हकीम हुमाम बोला गया है, और मिर्जा अजीज कोका, जिसको मुल्ला दो प्याजा की संज्ञा दी गई है. ये जो हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा नाम है, ये कई लोग बोलते हैं कि कॉमिक नाम है, फिक्टिशियस नेम्स हैं. ओरिजिनल नेम जो थे इनके फकीर अजीजुद्दीन और मुल्ला अजीज कोका है, क्योंकि एनसीईआरटी में मुल्ला दो प्याजा करके कोई नाम नहीं है. बट यू सी दैट इन द स्टोरीज एंड टीवी सीरियल्स. तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि ये किस चीज के लिए फेमस थे. सबसे पहले आता है बीरबल. असली नाम था महेशदास. ठीक है, सो ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशरी. तो चीफ जुडिशरी समझ लो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो ये अकबर की कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. अकबर के बाद जुडिशियल मैटर के सबसे बड़े. ठीक है, अकबर ने इनको राजा का टाइटल दिया था और इनकी डेथ हुई थी 1586 में. जब अफगानिस्तान की तरफ रिवोल्ट्स हुए थे तो उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बीबर के को लीडर बना करके भेजा था. अब वहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है, यूसुफजई कम्युनिटी. ठीक है, यूसुफजई कम्युनिटी. तो 1586 में ही वॉज किल्ड इन एन एम्बुश बाय द यूसुफजई कम्युनिटी ऑफ स्वात वैली. स्वात काबुल की एक ट्रिब्यूटरी है. स्वात घाटी सुना भी होगा आपने, टेररिज्म वगैरह के लिए या ये टेररिस्ट डिस्प्यूट के लिए काफी आता है ये. ठीक है, सो ही वॉज ऑल्सो द मेन वजीर, यानी कि मेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए अकबर के. तो अकबर के दाहिने हाथ है ये, एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे और आपने इनसे रिलेटेड देखा भी होगा. टोडरमल, सो ही सर्व्ड अंडर 3 किंग्स. टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ रेवेन्यू मैटर. सर इकोनॉमिक एडवाइजर है ये, पैसे का लेन देन कहां से निकालना है, कहां खर्च करना है. सो इन्होंने हुमायूं के अंडर भी काम करा है, इन्होंने शेरशाह सूरी के अंडर भी काम किया और फाइनली अकबर के अंडर भी इन्होंने काम किया है. और क्या पोस्ट पर थे, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह लीजिए या रेवेन्यू मिनिस्टर कह लीजिए, वित्त मंत्री. 1580 में ही सजेस्टेड द दहसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू विच इज ऑल्सो नोन एज टोडरमली सिस्टम. तो ये सेम लाइन को हम जब अकबर के लैंड रेवेन्यूज को एनालिसिस करेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे. ये टोडरमल ही था जिसने अकबर की लैंडमार्क लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था. तो उसको दहसाला सिस्टम जो बोला करते थे, क्यों बोला करते थे आगे देख लेंगे. ही रेनोवेटेड द काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल ऑल्सो. 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक काशी विश्वनाथ का जो वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है उसको इसने रेनोवेट किया था. वो बाद में कई बोलते हैं कि औरंगजेब ने तोड़वाया था. आप जानकर के हैरान होंगे, मतलब आपको शायद याद ना हो कि यूपी का जो स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो टोडरमल के ही नाम पर लिखा गया है. तो ये है राजा टोडरमल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें. इसके बाद मानसिंह, जैसा कि मैंने कहा था ना
कि मान सिंह वॉज एन इंपॉर्टेंट मनसबदार. मनसबदार वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट मिलिट्री पोस्ट, या हम ये कह लीजिए कमांडर. ये आमेर या अंबेर का राजपूत रूलर था. मैरिज अलायंस के चलते हुए ये उनके साथ जुड़ा. ही वॉज वन ऑफ द मेन जनरल हु हेल्प्ड इन एम्पायर एक्सपेंशन. आप कहीं पर भी देखेंगे राजपूत सिसोदिया को कंट्रोल करना हो या साउथ की एक्सपेडिशन हो, मानसिंह सबसे आगे खड़ा रहता था इनके लिए. एंड ही वॉज द मेन पर्सन बिहाइंड द अबॉलिशन ऑफ द रिलीजियस टैक्स जजिया इन 1562. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो टोडरमल के लिए क्या है लैंड रेवेन्यू, मानसिंह के लिए जजिया टैक्स. तो आपने सुना होगा कि जजिया जकात, ये मैंने कुछ टैक्सेस बताए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर. तो उसमें से जो नॉन मुस्लिम्स से जो रिलीजियस टैक्स लिया जाता था जजिया के नाम से, वो अकबर ने एबॉलिश कर दिया था. और अकबर को का अबॉलिश कराने के पीछे जो मेन रीजन था वो था मानसिंह. मानसिंह के कहने पर अकबर ने ये कहीं ना कहीं पर अबॉलिश किया था. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तानसेन, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है. इनका असली नाम था राम तनु पांडे. तो पांडे जी थे हमारे और ग्वालियर से आते थे. ही वॉज द चीफ म्यूजिशियन, ठीक है, हेड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री समझ लीजिए. इनको अकबर ने टाइटल दिया था और वो टाइटल बड़ा खतरनाक है, याद नहीं होता है लेकिन याद हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है. इनका नाम था कंठ भरण वाणी विलास. ये पूरा एक वर्ड है लेकिन मैंने देखो कैपिटल लेटर से अलग अलग करा है ताकि आपको इनको मतलब समझ में. कंठ का मतलब गला, भरण का मतलब भरा हुआ है, वाणी का मतलब आवाज. कंठ आपका भरा हुआ है विलास से, मधुर आवाज से, जिसको देख करके हम मनमुग्ध हो जाएं. तो कंठ भरण वाणी विलास वॉज द टाइटल गिवन बाय अकबर टू तानसेन. हिज क्रिएशन इज ध्रुपद. ध्रुपद इज द लिरिकल कॉम्पोजिशन ऑफ तानसेन जो कि ब्रिज भाषा में है, ब्रिज लैंग्वेज में है. एंड दिस ध्रुपद कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में इसमें वो है, आप ये कह लीजिए कि गाने हैं. गणेश भगवान, सरस्वती भगवान, सूर्य जी, शिव भगवान, विष्णु जी, इन सब देवी देवताओं के लिए कंपोजिशंस हैं ध्रुपद में. अब हिंदू के बाद पांच जो मुस्लिम अकबर के जो नवरत्न थे उनको देखते हैं. पहला है अबुल फजल. ही वॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अकबर. अकबर का मुख्य सचिव, अकबर इसकी सलाह पर चल रहा है. और क्योंकि अकबर के क्लोज था डे टू डे लाइफ में तो अकबर को अच्छे से जानता था. तो एन ए अकबरी लिखी है विच इज द बायोग्राफी ऑफ अकबर. एन ए अकबरी किस लैंग्वेज में लिखा गया है क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि पर्शियन में लिखा गया है. अकबर से पहले के जितने भी लोग थे वो टर्क में लिखेंगे, है ना, टर्क में. बाबर हो या हुमायूं हो, ये सबका टर्क में लिखा गया है. अकबर ने टर्क को छोड़कर के पर्शियन लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया था. तो उसने उसकी जो बायोग्राफी है अबुल फजल ने जो लिखी थी एन अकबरी, वो पर्शियन में थी. बहुत कुछ मुगल डायनेस्टी के बारे में ये बुक बताती भी है. इसके बाद आता है अबुल फैजी. फैजी फजल का भाई था, पर बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर ऑफ अबुल फजल. ये चीफ कोर्ट पोएट था, पोएट कवि, ठीक है. एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड ट्रांसलेटर. तो इसने लीलावती की जो बुक है मैथ्स के ऊपर लिखी गई थी, भास्कर टू ने लिखी थी 10th century BC AD के आसपास. 10th century AD के आसपास जो भास्कर टू थे उन्होंने लीलावती बुक, जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक मानी जाती है, उसको इसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में. तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं डिफिकल्ट फैक्ट्स. अब्दुल रहीम खाने खाना वॉज द सन ऑफ बैरम खान एंड ही इज द वन हु ट्रांसलेटेड तुजुक ए बाबरी इनटू पर्शियन लैंग्वेज. तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद इसने ही किया था. फकीर अजीजुद्दीन या हकीम हुमाम एक सूफी सेंट था और एक इंपॉर्टेंट एडवाइजर भी था. और जितने भी स्कूल्स थे अकबर के रीन में उसको यही देखते थे. और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मुल्ला अजीज, मुल्ला दो प्याजा. ये एक फिलोसोफर था जो हुमायूं के साथ आया था ईरान से और बीरबल का काउंटर पार्ट माना जाता है ये, कि मतलब बीरबल के साथ
हमेशा इसकी जुगलबंदी रहती थी बीरबल के साथ, जो बीरबल डिसीजन देता था उसके काउंटर में कुछ ना कुछ ये लेकर के आता था। तो ये थे अकबर के नवरत्न, इसके बाद अकबर की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़।